हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिज़ुई टोंगफी को कहती है, मुझे देख के डर गए, कहीं लड़की से हार जाओगे, इस बात पे डर रहे हो। ये सुनकर टोंगफी हंसते हुए कहता है, बच्ची बड़ा घमंड है तेरे में, कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी हो। जिस पर मिज़ुई जवाब देती है कि खुद को इतना ताकतवर भी ना समझ, अभी कुछ देर पहले सिस्टर ज़ैन हीर तुझे फाइट में हरा ही देने वाली थी। जिस पर टोंगफी जवाब देता है, वो मेरी एक गलती की वजह से वो हल्की सी भारी पड़ गई थी, अगर मैं अपने सिर्फ एक हाथ की पूरी पावर्स का भी यूज करता तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। इस पर मिज़ुई कहती है, सिर्फ आखिरी सवाल पूछना है, अगर मैं ये फाइट जीत गई तो क्या तुम रुक जाओगे और इस किंग जाओ के मामले को यहीं पे खत्म कर दोगे। इस पर टोंगफी जवाब देता है कि मैं मो जियाओ लीनेज वादा करता हूं, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो किंग जाओ का मामला मैं यहीं पे खत्म कर दूंगा। ये सुनकर हैंगओवर स्वॉर्ड सेट का स्टूडेंट भी खुश हो जाता हैं। जिस पर सुप्रीम एल्डर हैंगओवर मास्टर को कहता है कि इस लड़की ने बहुत ही अच्छा काम कर दिखाया है, बहुत ही हिम्मत वाली लड़की है, आखिर कौन है ये। जिस पर हैंगओवर मास्टर बताता है कि ये स्वॉर्ड किंग लिन ज़ोडियान की बेटी है। जिस पर दूसरा सुप्रीम एल्डर कहता है, अच्छा तो ये लिंग फेंग की बहन है, और हैरान होते हुए पूछता है कि लिन ज़ोडियान की एक बेटी भी है। जिस पर तीसरा सुप्रीम एल्डर को हां करता है। अब तभी दूसरी तरफ टोंगफी मिज़ुई को फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिस पर मिज़ुई तुरंत ही अपने ब्लड लाइन दर्मा बॉडी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मिज़ुई की फॉर्मेशन से बहुत ही एनर्जी रिलीज हो रही होती है। जिस पर टोंगफी भी हैरान हो जाता है कि तभी वो देखता है कि मिज़ुई हवा में फ्लोटिंग करके अपने हैंगओवर मार्शल गॉड स्प्रेड बॉडी को बाहर निकालती है, जो देख के बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक लग रही होती है। अब ये देखकर किंग नोबी को खुद से कहता है कि ये लड़की तो वाकई में बहुत ही टैलेंटेड है। जिस पर सुप्रीम एल्डर देख के पूछता है कि क्या ये कहीं स्वॉर्ड मार्शल सोल तो नहीं है। जिस पर दूसरा सुप्रीम एल्डर बताता है कि ये दर्मा बॉडी है। अब तभी हम देखते हैं कि मिज़ुई अपने फॉर्मेशन से हैंगओवर गॉड स्वॉर्ड को बाहर निकालती है। अब उसकी स्पिरिट अज़ोरा गॉड उस स्वॉर्ड को यूज करते उसको देखकर वहां सभी काफी हैरान हो जाते हैं। जिस पर सीनली कहता है, ये तो बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड लग रही है। जिस पर एक सुप्रीम एल्डर बताता है कि उसकी स्वॉर्ड की पावर्स बहुत ही शक्तिशाली है, ये रॉयल रैंक की स्वॉर्ड की लेवल की है, यकीन नहीं होता है कि इस बच्ची ने इस होली स्वॉर्ड को भी कंट्रोल किया हुआ है। जिस पर दूसरा सुप्रीम एल्डर कहता है, अगर मेरे हाथ में ये होली स्वॉर्ड होती तो हम किंग मोबिको से पिछला फाइट ना हार पाते। जिस पर हैंगओवर मास्टर कहता है, मेरे हैंगओवर स्वॉर्ड सेट की बहुत ही अच्छी किस्मत है, मुझे भी यकीन नहीं होता है कि ये दोनों लड़कियां इतने लाजवाब होली स्वॉर्ड की मालिक हैं। जिस पर तीसरा सुप्रीम एल्डर कहता है कि ये बच्ची तो वाकई में एक हैंगओवर रैंक स्वॉर्ड को कंट्रोल कर रही है, जो कि एक ब्लड लाइन डिवाइन पावर से पैदा हुई है। अब उस होली स्वॉर्ड की मदद से उसके लिए फाइट जीतना इतना भी मुश्किल नहीं होगा। अब तभी दूसरी तरफ टोंगफी मिज़ुई को कहता है कि सिर्फ एक होली स्वॉर्ड की मदद से क्या तुम मुझे हराने वाली हो। जिस पर मिज़ुई तुरंत ही अपने हैंगओवर रिवर्स क्रेड स्वॉर्ड को भी बाहर निकालती है, जिस पर वो उन दोनों स्वॉर्ड से फाइट के लिए तैयार हो जाती है। और तभी वो उस स्वॉर्ड की पावर्स की हल्की सी डेमो दिखाती है। अब तभी उसकी दूसरी होली स्वॉर्ड को देखकर वहां सभी काफी हैरान हो जाते हैं। इस पर सुप्रीम एल्डर कहता है, ये तो होली स्वॉर्ड बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली है, आखिर एक मास्टर दो होली स्वॉर्ड को एक वक्त पे कैसे यूज कर सकता है। जिस पर दूसरा सुप्रीम एल्डर कहता है, मुझे भी खुद समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। अब तभी दूसरी तरफ किंग मूवी को ये देखकर हैरान होते हुए कहता है कि ये लड़की तो दो होली स्वॉर्ड की मालिक है। जिस पर टोंगफी मिज़ुई को कहता है कि क्या सिर्फ ये दो होली स्वॉर्ड ही तुम्हारी ताकत है। अब तभी हम देखते हैं कि मिज़ुई दोबारा से अपनी टेक्निक्स का यूज करके अपनी तीसरी होली स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेती है, और वो भी बहुत ही शक्तिशाली एनर्जी रिलीज कर रही होती है। अब ये देखकर हैंगओवर स्वॉर्ड सेट का एक स्टूडेंट कहता है कि ये क्या, इसके पास तो तीसरी होली स्वॉर्ड भी है। जिस पर हैंगओवर स्वॉर्ड सेट का एक मास्टर कहता है कि मेरे हैंगओवर स्वॉर्ड सेट में पिछले 2000 सालों से किसी ने भी तीन होली स्वॉर्ड को एक साथ एक वक्त पे कंट्रोल करने की हिम्मत भी नहीं की है। जिस पर सुप्रीम एल्डर कहता है कि इन बेबी स्वॉर्ड ने अपने लिए सिर्फ एक ही मास्टर को ही चुना है, ज्यादातर स्वॉर्ड कल्टीवेटर भी सिर्फ एक ही स्वॉर्ड को ही कल्टीवेट कर पाते हैं, आखिर इस लड़की ने एक वक्त में तीन होली स्वॉर्ड को कैसे कंट्रोल कर पा रही है। जिस पर तीसरा सुप्रीम एल्डर कहता है कि क्या ये कोई सीक्रेट ट्रेजर है जो स्वॉर्ड किंग लिन ज़ोडियान ने अपने इन दो बच्चों के लिए छोड़ा होगा। अब तभी मिस ज़ैनहीर भी मिज़ुई की ताकत को देखकर कहती है कि मुझे बस अब इंतजार है कि मास्टर लिंगफेंग भी स्वॉर्ड माउंटेन से जल्द बाहर आ जाए
और वो भी ये नज़ारा देख सके। और यहाँ ये भी सामने आ जाएगा कि मिस जुई ये सब कैसे कर पा रही है। जिस पर कुआनियन कहती है जब सुप्रीम एल्डर्स को पता चलेगा कि मास्टर लिंग फेंग की वजह से ही इन होली स्वॉर्ड्स ने मिस जुई को अपना मास्टर चुना है तो उनके मुँह देखते रह जाएंगे, तो तब इनके मुंह देखने लायक होंगे। मुझे पूरा यकीन है वो इस बात पर यकीन भी नहीं करेंगे। जिस पर मिस जेनहीर उसको कहती है ये तीन सुप्रीम एल्डर्स लिंग फेंग को पूरी प्रोटेक्शन देने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं जितनी इनको करनी चाहिए। अब तभी टोंगफी मिस जुई की पावर्स को देखकर मिस जुई से कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है, तुम इतने सारे स्वॉर्ड को एक साथ कैसे कंट्रोल कर रही हो जो तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए छोड़े थे। जिस पर मिस जुई उसको जवाब देती है कि क्या तुम ये देखकर डर गए हो, और तभी अपने स्वॉर्ड निकाल के उसकी तरफ पॉइंट करती है। जिस पर टोंगफी कहता है मैं क्यों डरूंगा, मैं तुम्हारी बस कल्टीवेशन देखना चाहता हूं कि तुम आखिर इन तीन स्वॉर्ड को इतनी आसानी से कैसे यूज करती हो, पर मेरी ड्रैगन ब्लड लाइन इसे आराम से डिस्ट्रॉय कर देगी। जिस पर मिस जुई जवाब देती है आज मैं अपने ब्रदर लिंग फेंग के लिए तुमसे फाइट करने वाली हूँ, और इतना कहती ही उस पर अटैक करके उसके साथ फाइट शुरू कर देती है। पर टोंगफी उसके हार अटैक से बचता है, जिस पर मिस जुई तुरंत ही अपने और ब्लड लाइन को एक्टिवेट करती है, जिसको रोकने के लिए टोंगफी तुरंत ही अपने 10,000 हैवनली ड्रैगन पाम से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। पर तभी मिस जुई तुरंत ही अपने जायंट माउंटेन स्क्रिट स्वॉर्ड से टोंगफी पे जोरदार अटैक करवा देती है। अब इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए टोंगफी तुरंत ही अपने ड्रैगन ब्रेकिंग स्काई पंच से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब तभी मिस जुई अपनी तलवार से उस पर वार करने लगती है, पर टोंगफी पीछे हो जाता है, जिस पर मिस जुई तुरंत ही उस पर स्वॉर्ड स्लैश से अटैक कर देती है। पर टोंगफी उसके इस अटैक से भी पीछे हो जाता है, जिस पर मिस जुई उसके पास जाकर टोंगफी को एक जोरदार लात मारती है और साथ ही तुरंत ही उस पर स्वॉर्ड स्लैश से अटैक करती है, जिसको देखकर हैवनली स्वॉर्ड सेट के स्टूडेंट भी काफी खुश हो जाते हैं कि मिस जुई टोंगफी जैसे बंदे को अच्छा सबक सिखा रही है। जिस पर एक स्टूडेंट कहता है ये तीन होली स्वॉर्ड इसकी ताकत को और भी बढ़ा रही है। अब तभी एक स्टूडेंट कहता है मिस जुई तो गॉड ऑफ वॉर की तरह लग रही है। अब तभी टोंगफी खुद से कहता है कि ये अपने अजोरा गोड की सभी हैंड्स का यूज कर रही है, जिसकी वजह से ये मेरे हर अटैक को डिफेंड कर रही है। अब तभी दोबारा से उनकी फायर शुरू हो जाती है, जिस पर मिस जुई दोबारा से टोंगफी को पीछे कर देती है, जिस पर टोंगफी तुरंत ही अपने ड्रैगन शेकिंग हैवनली पॉम से मिस जुई पे जोरदार अटैक करवाता है, जिस पर मिस जुई तुरंत ही तीनों स्वॉर्ड को कंबाइन करके उस ड्रैगन पॉम अटैक को रोकने लगती है। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट भी एंड हो जाता है। इसका अगला पार्ट भी मैं अपने चैनल में अपलोड करने वाला हूं, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।